है चलिए यार, देखिए आप ताबिया का कुछ बोलबो नहीं करते, एक बार बोले से बोलते बस पड़ गया ठंडक। देखिए अब यहां से आप लोग को एक नया चीज सीखने को मिलेगा, ठीक है? मतलब अब यहां से आप लोग को बहुत नया नया रूल मिलेगा। रूल का मतलब अब आपका एंगल बेस्ड क्वेश्चन खत्म हुआ, ठीक है? एकदम ध्यान दीजिएगा, एंगल बेस्ड क्वेश्चन आप लोग खत्म हुआ। आप लोग का वीडियो अपलोड कर दिया गया 7 से पहले, देख लिए थे ना? है ना, 7 बजे से पहले सब वीडियो अपलोड हो जाएगा आप लोग का, ठीक है? इसे लिखने से पहले, लिखने से ज्यादा अभी केवल और केवल आप लोग कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिएगा। ये पूरा का पूरा चैप्टर अभी चालू होने जा रहा है, वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पर है। सारा का सारा चीज भूल जाइएगा और केवल लिखने पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है? समझिए, पाइथागोरस थ्योरम। सर पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बता दिए थे आप लोगों को। एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, इसमें एक एंगल क्या होता है आपका 90 डिग्री का होता है, ठीक है? सर पाइथागोरस जो है ना ये बाबा है, ठीक है? पाइथागोरस एक बाबा है, इसका एक प्यारा सा सुपुत्र है जिसका नाम है ये साइन, ठीक है? सर ये साइन नहीं है, ठीक है? वो साइन का स्पेलिंग SIGN होता है, ठीक है? पूरा सिग्नेचर बोला जाता है उसको। ये साइन एक सुपुत्र है उसका, और ये साइन ऐसा सुपुत्र है कि बोलता है हम अपना पार्टनर को लेकर के ही आएंगे, ठीक है? और वो पार्टनर है उसका थीटा, साइन थीटा। और ये थीटा जैसे एक्स का वैल्यू कुछ भी होता है ना, जैसे एक्स का वैल्यू कुछ भी होता है वैसे ही थीटा का वैल्यू कुछ भी होता है, ठीक है? सर अभी ये सब बताते बताते सही डायरेक्शन में ले जाएंगे, खाली सुनते रहिएगा आप लोग, ठीक है? तब लास्ट में समझ में आएगा कि हाँ सर क्या बता रहे थे। अब देखिए सर यहां पर जैसे एक्स का वैल्यू होता है ना 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, वैसे ही थीटा का मान भी कुछ भी हो सकता है, बट किसमें होना चाहिए? डिग्री में। इसका मान क्या होता है? डिग्री, ठीक है? सर थीटा डिग्री कितना भी हो सकता है, लेकिन एग्जामिनर एक ऐसा ऐसा बैठाता है कि आप लोग क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सके, ठीक है? एग्जामिनर ऐसा बैठाता है कि आप लोग क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सके। तो सर थीटा का मान क्या क्या बैठाता है एग्जामिनर? एग्जामिनर बैठाएगा आपका 30 डिग्री, ठीक है? ये बैठाता है आपका 45 डिग्री, 45 डिग्री, सर 60 डिग्री, 90 डिग्री। इससे पहले भी एक दो को बैठाता है, मतलब होता सब है, ये याद रखिएगा, होता सब है। 15 होता है, 40 होता है, 50 होता है, सबका मान होता है अपना अपना, ठीक है? लेकिन इसका एक एग्जैक्ट मान होता है, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, ठीक है? ये किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग? पाइथागोरस थ्योरम का सुपुत्र के बारे में, ठीक है? हाँ प्यारा सा कहे कि ये सुपुत्र है, इसका 2-3 गो है ना, एक कॉस भी है, ठीक है, टेन भी है, सारा का सारा। लेकिन वो सब पाइथागोरस थ्योरम पर ही है। कैसे है सुनिएगा भी। सर ये साइन 30 डिग्री, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, ठीक है? सर इसका कुछ ना कुछ होता होगा वैल्यू, तो इसका आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में बचपन में क्लास 10 में पढ़े होंगे, ठीक है? क्लास 10 में पढ़े होंगे कि सर साइन 30, एकदम ध्यान से रखिएगा इसको, साइन 30 इज इक्वल टू क्या होता है आपका? 1/2, ठीक है? तो उसी तरह से साइन 45 क्या होता है आपका? 1/√2। साइन 30 होता है आपका 1/2, ये होता है आपका 1/√2, ये होता है आपका √3, ये होता है आपका 1, ठीक है यहाँ तक? और 0 डिग्री भी होता है, पर अभी इसमें नहीं पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है? पीछे भी होता है, माइनस भी होता है, प्लस भी होता है, 180, 1080,
सब तक जाते हैं हम लोग, ठीक है, कितना भी कर लेंगे हम लोग, लेकिन अभी केवल इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो सर सबका वैल्यू हो गया यहाँ पर। तो सर ये जो साइन 30 लिखेंगे, साइन 45 लिखेंगे, ये सबका मान आपका क्या होगा? हाफ 1/2, रूट 3/2 और ये 1। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब समझिएगा सर, साइन का एक और फॉर्मूला होता है, साइन का सर, साइन थीटा का एक और फॉर्मूला होता है। साइन थीटा का मतलब क्या हुआ आपका? ये सर डिग्री। साइन थीटा जब लिखेंगे, थीटा का मतलब क्या हुआ आपका? डिग्री, ठीक है। साइन थीटा का मतलब हुआ डिग्री। तो साइन थीटा का एक फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग बोलते हैं P by H। सर ये क्या है? P क्या है? जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। H क्या है आपका? हाइपोटेनियस। ध्यान से, ये जो फॉर्मूला है ना साइन थीटा वाला, ये जो फॉर्मूला है, ये केवल और केवल आपका राइट एंगल ट्राइंगल में ही लगेगा, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में ही तो हाइपोटेनियस होता है ना, है ना, हाइपोटेनियस होता है। हाइपोटेनियस को हिंदी में कर्ण बोलते हैं, ठीक है, इसको अर्जुन। तो ये हो गया आपका P, ये हो गया B और ये हो गया आपका H, ठीक है। अब समझिए, ये क्या होता है आपका? 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब ध्यान से, और ये हो गया आपका क्या? थीटा, ठीक है। और ये आपका हो गया, ये क्या लिखेंगे आप लोग? सर 90 माइनस थीटा लिखेंगे। सर समझिए कैसे लिखेंगे, समझिएगा, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री है और इसको, तो ये दोनों का सम तो 90 डिग्री होगा ना, तो अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है ना। जैसे कि अगर ये 90 है, ये 30 है, तो ये 90 माइनस 30 मतलब 60 है ना, तो ये बनेगा आप लोग का, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा साइन थीटा का ये फार्मूला, उसी तरह से कॉस का फार्मूला होता है ना, उसी तरह से आप लोग का टेन का फार्मूला होता है, बट अभी केवल साइन का फार्मूला पढ़ना है, क्योंकि हम लोग साइन रूल आगे पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, लिखिएगा क्या? नहीं ना, देख लीजिएगा ना, सब बात लाउड। ऐसा तो नहीं कि अस्कता रहे, ठीक है, हडवा पेनवा के चला है, घरवा पर जाइए हम देख लेंगे, ठीक है। चलिए चलिए आगे देखिए, ठीक है। रजनी का नंदनी सर मुझे मोबाइल खरीद रहे हैं आप? एक को चिट्टी काट लिया है, एक को बैठने लग गया, आजा दोनों गोटा भीड़ रहा था कि रे की हो गई एक चिट्ठी काट लिया क्या? सर थकवा का होट पूरा फूल गया है ना, अगर होट पूरा फूल गया अब ये वही बताएगा। चले याद है, अब सुनिए ये फॉर्मूला हो गया आप लोग का। अब जो अगला क्वेश्चन में सर ये समझिएगा, एक रूल पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, जिसको हम लोग बोलते हैं साइन रूल। एकदम धीरे धीरे समझिएगा, एकदम इसको बोझ मत समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। वेट आइए, मत समझिए इसको, अचानक समझिएगा ऊपर कौन सा रूल पढ़ा रहे हैं, ठीक है, पहले समझिएगा, ठीक है। तो बड़ा बड़ा थ्योरम में दिमाग चल जाएगा आपका, समझिए। एक ट्राइंगल बना रहे हैं, ये है आपका ए, ये है बी और ये है सी, ठीक है। इसके सामने वाला साइड को बोलते हैं हम लोग स्मॉल ए,
इसके सामने वाला स्मॉल बी, इसके सामने वाला छोटा सी, ठीक है, इधर अपने छोटा, ठीक है, इसके सामने वाला स्मॉल सी, ठीक है, इसके सामने वाला स्मॉल है, इसके सामने स्मॉल बी, इसके सामने वाला स्मॉल सी, ठीक है। तो अब समझिएगा, ये है आपका, यहाँ पर रखते हैं एंगल बी, और इसको बोलते हैं एंगल ए, इसको बोलते हैं एंगल सी, ठीक है। साइन रूल ये कहता है, साइन रूल ये कहता है, लिखिए कहते हैं, समझिए, ठीक है, इसी पर आधारित है साइन रूल, ठीक है। साइन रूल आपका ये कहता है, क्या कहता है समझिए, किसी भी ट्रायंगल का जो साइड का रेशियो होता है, किसी भी ट्रायंगल का जो साइड का रेशियो होता है, साइड का, साइड क्या है आपका, ए बी और सी, ठीक है, हाँ, किसी भी ट्रायंगल का जो साइड का रेशियो होता है वो उसके अपोजिट एंगल, मतलब अगर ये साइड ले रहे हैं तो उसका अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल ए, अगर ये ले रहे हैं तो उसका अपोजिट एंगल, सॉरी, ये ले रहे हैं इसका अपोजिट एंगल क्या है, एंगल बी, समझिएगा। साइन रूल ये कहता है कि किसी भी ट्रायंगल का जो साइड का रेशियो होता है, लड़की की तरफ कम ध्यान दो ना, यहाँ मेरा आँखी में देखो ना, इसको तोरे 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 बोल रहे हैं, यस बाबू तोरे बोल रहे हैं, अरे इसका क्या, खाली इधर 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 इधर, अरे यार, हाँ सोचे हम, अरे बोलने नहीं खोज रहे थे, मतलब सोचे गलती, चुप रहा है यार, अभी हम मतलब हम बोले नहीं बोले नहीं बोलेंगे, पर एक किसी बोलेगा कि साला ये दुख का नहीं खत्म होता है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है वैसे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे देख ले, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन देख ले थोड़ा सा इसको, ए बी और ए सी है, ठीक है, यहाँ से सबका आखिया दिख रहा याद है, सबका आखिया दिखता है ना, रहा चर्चा में रहना चाहिए, ऐसे तो बोलता है कि जहां रहो चर्चा में रहो, है ना, चलिए याद है कि अब साइन रूल ये बोलता है कि किसी भी ट्रायंगल का जो साइड का रेशियो होता है वो उसके अपोजिट एंगल के साइन के रेशियो के बराबर होता है, ठीक है, लैंग्वेज टफ लगा लेकिन सुनिए क्या होता है, ठीक है, ध्यान से, साइड का रेशियो क्या है आपका, ए इज टू बी इज टू सी, ये जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा, सर ये रेशियो मतलब समझिएगा, ए का कुछ तो मान होगा ना, जब एग्जामिनर देगा तो, सपोज दैट कि ए का 12 दिया, इसका 15 दिया, इसका 18 दिया, ठीक है, सपोज दैट कि ए का मान आपका क्या दिया, 12, इसका मान दिया 15, इसका मान दिया 18, ट्रायंगल तो पॉसिबल है ना, ये दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 3, दोनों का सम कितना आ रहा है, 27, इसके बीच में है ना ये वाला, पॉसिबल है, अगर यहां पर लिख दें 28 तो पॉसिबल होगा क्या, नहीं ना, वेरी गुड, तो ये तीनों के तीनों साइड का रेशियो क्या आ जाएगा आपका, सर ये 12, 15 और 18 है, और जब रेशियो करेंगे तो रेशियो का मतलब डिवाइड होता है, ठीक है, तो तीनों कटना चाहिए, ठीक है, तो ये 4, 5 और 6, सर समझिएगा, जैसे तीनों साइड का कुछ तो मान दिया हुआ रहेगा, जो नहीं हुआ समझिएगा, तीनों साइड का कुछ तो मान दिया हुआ रहेगा, और वो तीनों मान दिया हुआ है 12, 15 और 18, रेशियो का मतलब ये जो रेशियो लगाए हैं इसका मतलब होता है डिवाइड, ठीक है, तो अगर काटे तीनों को साथ में काटेंगे एक ही टेबल से, ठीक है, उसके बाद नहीं कटेगा, अगर जब भी कटेगा क्या होगा, तीनों कटेगा, ठीक है, तो ये तीनों कट गया, 3 से 4 बार में, 5 बार में, 6 बार में, तो ये आ गया ए बी सी का रेशियो आ गया, ये
ए बी सी का रेशियो आ गया ना, तो बस हम इसी का बात कर रहे थे कि ये है क्या। ठीक है, ए बी सी का रेशियो, ए बी सी का रेशियो वो किसके बराबर होता है, उसके अपोजिट एंगल के साइन के बराबर। अगर यहां पर ए है, उसका अपोजिट एंगल क्या है आपका, एंगल ए, तो ये साइन के बराबर होगा। साइन एंगल ए इज टू साइन एंगल बी इज टू साइन एंगल सी। ठीक है, ये वाला रहेगा। तो सर ये किस जगह काम आएगा, मेन तो वो मैटर करता है, साइन रूल रहे चाहे द साइन रूल रहे, मेन है कि किसका यूज क्या आएगा, है ना। यूज आपका ये आएगा, जैसे लिखते थे याद है ऐसे, ये वाला ए इज टू बी इज इक्वल टू टू इज टू थ्री, अगर ये दिया हुआ रहता था तो जब बोल रहे हैं कि इसका मतलब डिवाइड है तो लिखते थे ए बाय बी इज इक्वल टू टू बाय थ्री, ये होता था ना रेशियो में। तो यहां पर क्या करना होगा ना, अगर दो दो को लेंगे हम लोग तो a बाय, जैसे a बाय बी इज इक्वल टू साइन एंगल a बाय साइन एंगल b। सर अगर b और c को लेंगे तो b इज टू c इज इक्वल टू साइन एंगल b बाय साइन एंगल c। ये लाइन समझ रहे हैं ना, अगर a और c को लेंगे है ना, तो a बाय सी इज इक्वल टू साइन एंगल a बाय साइन एंगल c। तो ये खाली क्या है वो समझिएगा, उपयोग कहां आएगा हम सो बताएंगे अब। ठीक है, समझिए, जैसे आपका ये बोला जाएगा, ये फॉर्मूला समझ में आया खाली, कहां उपयोग आएगा ये समझिए, उसका उपयोगिता समझिएगा। ठीक है, पहले ड्रॉ कीजिएगा, जब नोट्स बनाइएगा ना तो पहले इसको अच्छा से ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो हम मेजर जो हम लिख रहे हैं, डाटा लिख रहे हैं, उसके बाद लिखिएगा उसमें। तो समझिए, यहां पर ए लिख रहे हैं आपका, ए लिख रहे हैं 12। ठीक है, और बी और सी है, और आपका यहां एंगल बी दे दिए है आपका हम 15, कुछ और देते हैं साइन 15 का रूट थ्री माइनस वन बाय टू रूट थ्री टू रूट टू, और एंगल ए 40 90 एंगल 60 लेते हैं। चलिए, ये 60 डिग्री है। ठीक है, ये आपका 75 डिग्री लेते हैं। ठीक है, ये 75 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 135 40 45, होगा ना। ठीक है, कुल मिला करके 120 और 120 और 60 180। ठीक है, तो एग्जामिनर बोलेगा है ना, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, सब बोल जाइए सब, खाली अब थोड़ा मोड़ा ही याद रखिएगा, वैसे हम मिटा देते हैं। ठीक है, आगे दिमाग में, अब खाली दिमाग में बैठा के रखिएगा। क्या गाना बज रहा है, देखते हैं। हाँ, एग्जामिनर ऐसे देगा, एक ट्राइंगल बना देगा आप लोग को। ठीक है, और ये बोलेगा कि एंगल ए 75 डिग्री का है, एंगल बी कितना डिग्री का है 60 डिग्री का है, बी सी आपका 12 है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, ये प्रॉब्लम करेगा आप लोगों को। ठीक है, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। अब साइन रूल कहां पर इस्तेमाल होता है वो समझिएगा। ठीक है, किसी भी ट्राइंगल का, किसी भी ट्राइंगल का जब दो एंगल दिया हुआ हो, सर किसी भी ट्राइंगल का जब दो एंगल दिया हुआ रहेगा तो तीसरा एंगल तो अपने आप निकल जाएगा, है ना। तो मेन दो एंगल है ना, समझिएगा, किसी भी ट्राइंगल का जब दो एंगल दिया हुआ हो, किसी भी ट्राइंगल का दो एंगल दे दिए, ठीक है, और उस ट्राइंगल का एक साइड दिया हुआ हो,
क्या दिया हुआ हो, एक साइड दिया हुआ हो और बाकी साइड पूछ ले, और एक साइड दिया हुआ हो और बाकी साइड पूछ ले, ठीक है, तब जा करके आपका ये वाला फॉर्मूला लगेगा, साइन रूल लगेगा। जब किसी भी ट्राइंगल का, ये लाइन भी लिखिएगा, ठीक है, जब बोल रहे हैं ना इसको सुन के लिखिएगा, ठीक है, जब किसी भी ट्राइंगल में दो एंगल दिया हुआ हो, है ना, और एक साइड दिया हुआ हो, जब किसी ट्राइंगल में दो एंगल दिया हुआ हो और एक साइड दिया हुआ हो, ठीक है, और बाकी कोई साइड पूछ लेगा, तब जा करके उसमें कौन सा रूल लगेगा, साइन रूल लगेगा, ठीक है। जब किसी एंगल का, जब किसी ट्राइंगल में दो गो एंगल दिया हुआ हो, दो गो एंगल दिया हुआ है, है ना, तीसरा अपने आप लोग का निकल जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 60। तो सर ये 60 निकालना जरूरी क्यों है, बताएंगे, समझिएगा। जब किसी ट्राइंगल में दो गो एंगल दिया हुआ हो और एक साइड दिया हुआ हो और बाकी साइड पूछ ले, है ना, यहां पूछ लिया गया है, अब समझिएगा आप लोग। सर अब कैसे लगेगा साइन रूल, देखिए ये क्या है आपका 12, ठीक है, 12 लिख दिए, ठीक है सर, 12 याद है ये वाला अभी बताए थे, जैसे अंदर क्या लिखे थे, a by b इज इक्वल टू, ठीक है, साइन एंगल a by साइन एंगल b, ये लिखे थे सर, साइन एंगल ए बाय साइन एंगल बी, ठीक है, आपका ए क्या आ गया है, ए क्या दिया हुआ है 12, बी आपका पूछा है ना सर, साइन एंगल ए मतलब कि एंगल ए मतलब साइन कितना डिग्री, साइन 75 डिग्री, है ना सर, साइन एंगल बी, साइन एंगल बी का मतलब क्या हुआ समझिएगा सर, एंगल बी निकालना होगा ना, क्योंकि बी के ये पूछा गया है और इसके सामने तो एंगल बी है ना, इसके सामने एंगल सी तो है नहीं, बट एग्जामिनर एंगल बी दिया नहीं है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एंगल बी निकालना होगा, तो ये 60 डिग्री पता चल जाएगा ना, ठीक है, तब यहां पर हम लोग लिखेंगे क्या, साइन 60 डिग्री, ठीक है। तो सर एक अब ये कैसे लिखे समझ में आया सब लोग, ठीक है, आगे चल के अगर आप लोग का मूड होगा तो खाली जानकारी के लिए हम साइन रूल को प्रूफ कर देंगे, ठीक है, अगर चाहिए होगा तो हम साइन रूल को प्रूफ भी कर देंगे, ठीक है, तो अब ये कर देंगे, फिर इसको समझ लीजिए, ठीक है, लेकिन कोई इसका कोई जरूरत भी नहीं है, ठीक है, एकदम जरूरत नहीं है उसका, पूरा आगे एग्जाम में खाली यही जरूरत है आपका, ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें पूछ लिया जाता है और एकदम सिंपल सा यही पूछेगा, साइन रूल के ऊपर एक्स्ट्रा डिराइव नहीं करता ये लोग क्वेश्चन, ठीक है, क्या बोला जाएगा कि दो, किसी भी दो, एक एक ट्राइंगल का दो गो एंगल दे देगा, एक साइड दे देगा, बाकी साइड पूछ देगा, एक ट्राइंगल का दो गो एंगल दे देगा, एक साइड दे देगा, एक साइड पूछ लिया जाएगा, बस यही खाली करना है साइन रूल में, ठीक है। तो सर क्या ले लेंगे, ये 12, ठीक है, और उसके सामने वाला एंगल क्या है 75, तो उसके सामने क्या ले लेंगे हम लोग, साइन 75, इसका मतलब सर जब साइन 60 का कुछ वैल्यू होता है, साइन 75 का भी कुछ वैल्यू होता होगा, है ना, साइन 75 का कुछ वैल्यू होता होगा, तो सारा का वैल्यू होता है, ठीक है, तो ये क्या होता है आपका, ये लिख देंगे आपका 12 बाय ए, ठीक है, तो बी है ना 12 बाय बी, और इसका वैल्यू होता है आपका √3 प्लस होता है माइनस होता है, प्लस होता है शायद, एक बार देख लीजिएगा, 2 बाय साइन 60 √3 बाय 2, ये होता है, सारा वैल्यू आप लोग को याद करना पड़ेगा, साइन 120 डिग्री √3 बाय 2, कॉस रूट कॉस 120 डिग्री 1 बाय 2, हर सब बुहार देखे टेंशन में, ये सब याद करना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री में, साइन 15 जानते हैं साइन 75 का वैल्यू कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, देखिए पता है कैसे निकलेगा, हाँ ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, साइन 30 प्लस 45 डिग्री, ऐसे निकलता है वैल्यू, हाँ साइन ए प्लस बी,
साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, ठीक है। तो आप लोग उस समय पढ़िएगा, अभी इस पर मत जाइए वरना झूठे का पानी छिटना पड़ेगा सबको, ठीक है। हाँ, एक और होता है, ठीक है। तो आप लोग झूठे पानी छिटना पड़ेगा, बस खाली ये याद रखिए, अभी खाली ये याद रखिएगा, ठीक है। खाली हम फॉर्मूला को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये फॉर्मूला को एक्सप्लेन करने के चक्कर में ये 75 और 60 आया है, ठीक है, बुझाया। चलिए, तो सर ये क्या आया, रूट थ्री प्लस वन बाय टू रूट टू, रूट थ्री बाय टू, साइन 60 का वैल्यू होता है ना ये। आप लोग याद रखिए कि ये वैल्यू होता है, इसका मान आप लोग को हम याद कराएंगे, ठीक है। अभी मत याद करने की कोशिश कीजिएगा, बस खाली ये फॉर्मूला को समझिए, आप लोगों को मान याद नहीं करना है अभी, ठीक है। कि सर हम लोग ये मान कैसे याद करेंगे, कैसे याद करेंगे, है ना। सर 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 33.1 बाय 33.33% का 1/3 याद हुआ ना, वो भी याद होगा, समझे, वो भी याद होगा। एक ही चीज को जब 20-30 बार पढ़िएगा तो अपने आप याद होगा। ट्रिग्नोमेट्री में तो अनाप शनाप क्वेश्चन करवाएंगे आप लोग, समझे, तो इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, ये निकलेगा कैसे, अब तो केवल काटते जाएंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। आप लोग सॉल्यूशन पर ध्यान मत दीजिए, हम फॉर्मूला प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। ये टू से ये टू गया, ठीक है, ये रूट टू नीचे जाएगा, रूट सिक्स हो जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर तो आ ही जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में आंसर आ जाएगा। लेकिन सर ये मेन बात है कि साइन रूल का तरीका कहाँ यूज हो रहा है वो समझ में आ रहा है, ठीक है। दो एंगल दिया हुआ रहता है, एक साइड दिया हुआ रहता है, बाकी साइड पूछ लेता है, बस यही आएगा आपका साइन रूल में फॉर्मूला। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सूरज समझ में आ रहा है, ठीक। इसके बाद फिर पढ़िएगा आप लोग कोसाइन रूल, ठीक है, ये पढ़िएगा टेनाइन रूल, मजाक कर रहे हैं, टेनाइन नहीं होता है, ठीक है। आस्था समझ में आया, ठीक। देखिए मंडे आज बताइएगा, बोले थे बताया था चैनल का नाम, शाबाश अंकित, देखे थे इनका, इनका जो क्लास चलता है यूट्यूब में वो देखे थे, ठीक था ये। एक बार में थोड़ी ना आदमी सीखता है बच्चा, समय लगता है ना, अपने आप को समय दीजिए धीरे धीरे करके, बस रेगुलर करते रहिए, छोड़ देते ही गलती करते हैं। अगर आप A इज इक्वल टू एप्पल डाल रहे हैं ना, तो अगला दिन B इज इक्वल टू बॉल डालिए, कम से कम 26 दिन तक डालिएगा ना, फिर काखा का चालू कर दीजिए, है ना, लेकिन चालू कर दीजिए, समझे, हर दिन। चले यहां सुनिए, अब बताते इसका बताइएगा, ठीक है, साइन रूल लगा करके जिनका आएगा वो हाँ उठाएंगे, आंसर नहीं बोलेंगे, जिनका आएगा वो हाँ उठाएंगे, आंसर नहीं बोलेंगे, हम पूछेंगे, जो बोले बाहर कर देंगे। किसी भी ट्रायंगल का दो एंगल दिया हुआ हो, एक साइड दिया हुआ हो, ठीक है, और दूसरा साइड आपका जिसका आए वो हाँ उठाए, पहले बनाने के बाद, अभी नहीं, बच गया, ठीक है, चिल्ला चिल्ला के स्कीमें बता दे। इसका ऐसा आ गया, हाँ उठाइए, रॉबिनिया आ गया, इसीलिए बोले थे हाथा भारी नहीं करने के लिए, है ना, उठाया था। मदन आया, मदन ये आया, यस क्या होगा,
हाँ राजेश, दिनू क्या होगा? हाँ नहीं समझ में आया ना। हर्ष क्यों? हाँ हाँ बताइए। करने क्या जरूरत है सर? आप लोगों को बताए थे आज से 4,000 साल पहले, ठीक है? यहाँ देखिए, ये 60 डिग्री जो एंगल के सामने वाला साइड है, तो ये एंगल के सामने वाला साइड भी तो सेम होगा सर। कहाँ ध्यान हुआ, लगाने लग गए साइन रूल। हाँ पता चला यहाँ लगा क्या दिमाग रूल। ये क्या होगा? अरे वो 15 होगा। जब ये 60, ये 60, तो ये क्या होगा आपका 60, तो ये हो गया आपका 15। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम। चलिए आगे, अब आगे समझिए। अब ये रूल हुआ नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्या है सो सुनिए। अब वापस से आएंगे इस पीटी बाबा पर, पाइथागोरस है ना। सूची कौन आदमी था, मर गया, लेकिन अभी भी इसके बारे हम लोग याद कर रहे हैं। ठीक है समझिए। यहाँ पर चलिए याद है, ये अगर दिमाग में नहीं गया दिमाग खराब कर देगा आप लोग। ठीक है सुनिए, देख के लग रहा होगा कि ये कौन सा ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ए बी और ये सी, ठीक है समझिएगा। सर एक फिक्स एंगल का एक फिक्स मान होता है, ठीक है। एक फिक्स एंगल का एक फिक्स मान होता है, अब वो मान क्या होता है वो आप लोग को जानना है, ठीक है समझिएगा। अगर ये 90 डिग्री है तो ये दोनों का सम कितना होगा? 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो सर हो सकता है कि सर ये 30 डिग्री हो और ये 60 डिग्री हो, है ना। और हो सकता है सर ये 15 हो, ये 75 हो सकता है, ये 45 हो, ये 45 हो, है ना। कुछ भी हो सकता है, 40-50 भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन एग्जामिनर ऐसा वैसा नहीं देगा जो कि प्री और मेंस में एग्जाम में आप लोगों को प्रॉब्लम होगा। हो सकता है ये 1 हो, 89 हो, है ना। तो दिमाग अपने परेशान है ना, हो सकता है ना, है ना। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। ऐसा कोई हमको बताएगा कि अगर ये 1 डिग्री का होगा और ये 89 डिग्री का होगा तो फिगर कैसा बनेगा? पूरा लंबा, जैसे कि ये खींच दिए, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये अगर ये रखेंगे, यहाँ पर उंगली रख रहे ऊपर में, ठीक है, तो इसको कहाँ लेके जाएंगे? हाँ नीचे उधर, ये 89 है, ये 1 है, सीधा से हल्का से डेविएट करेगा, मतलब इस तरह ना। हाँ ठीक है, एंगल समझे वरना सही है, ठीक है। देखा जब यहाँ ध्यान रखने से फायदा होता है सर। चलिए याद रखिए, याद रखिए, थोड़ा और रखना जरूरी है। रोहित का तो ठीक है, हम समझ सकते हैं, उसका उम्र हो गया, ठीक है। इसको दादाजी ऐसे नहीं बोला गया है। इसको दादाजी कौन कौन बोलते हैं? कोई नहीं बोलता।
राखी ममता सालू। हाँ ठीक है रोहित, अरुण मेरे वकील साहब है ना, हाँ उन्हीं की तरफ से लड़ेंगे हम, जॉली एल भी ठीक है। देखिए आप अगर यहाँ पर उस ना जॉली एल बी वाला पूरा बनाया जाए सेट ठीक है, तो जो जज बनाया जाए वो कौन सूट करेंगे मेरा? दो लोग है, एक वाजा और एक अब्दुल ठीक है, जॉली एल बी का जज के लिए ठीक है। बाय सूट करेंगे ना जेबीआर से, हम लोग बाद मार्च में आ जाएंगे सर, यार हम लोग खत्म हुआ है यार, गेम जेबीआर जेबीआर से खरीद लिए, जेबीआर क्या लिए हैं एक बार सूरज का आप लोगों को दिखाएंगे वीडियो, हाँ सूरज का ठीक है आप लोगों को दिखाएंगे है ना। एक दिन मेरा घर आया था ठीक है जब पूरा जरूर सुनिए, एक दिन मेरा घर आया था दीपावली के दिन, रुको रुको दीपावली के दिन आया था, हाँ अच्छा नहीं बोल अच्छा एक बार थोड़ा एक सेकंड खाली एक सेकंड, उसका मुंह बंद कर अच्छा वीडियो में दिखाएंगे, खाली बताएंगे अच्छा नहीं बताएंगे आना चाहिए पक्का। सूरज आया बड़ा प्यार से है ना, लेकिन आदमी कंट्रोल मजलू कंट्रोल है ना, एकदम कंट्रोल में ठीक है। आए नहीं सुनी पड़ो आए ठीक है, एकदम इतना प्यार से बोले ना है ना, मतलब आप दिखाएंगे ठीक है, मतलब बैठ गए है ना, हमारे सूरज बाबू खड़ा हुई ठीक है, मतलब है ना दीपावली दिन हमारे गणेश भगवान समय लिए थे कि है ना, हाँ हरसा वीडियो आ रहा था है ना, लेकिन हाँ कदर करते हैं है ना, मतलब खाली मस्ती के लिए ऐसे ही बोल रहे हैं कि सामने बैठ करके जो तारीफ करना चालू किए ठीक है, जो तारीफ करना चालू किए उसके बाद फिर आपको लगता है क्या कि रोने ही वाले थे कि हम उठाना पड़ा इनको ठीक है, वीडियो देखिए तो बोलेगा तो किरण किरण बोल रहे थे, लेकिन हाँ ठीक हाँ बाद फिर सौरभ रुला दिया था। चलिए यहाँ समझिए सौरभ और गौरव साथ में जा रहा था, गौरव बड़ा भाई चला रहा था ठीक है, बीचा में रोका और ऐसे बहुत छोटे सौरभ कैसे कर रहा है हैप्पी दिवाली भाई अब गौरव बाइक चला रहे हैं आज तो बोल रहा है छोड़ आज अगर लिया ठीक है पूजा करके आ रहा था। चले यहाँ देखिए, अरे ठीक है सब, ये है आपका ए इज टू बी इज टू सी ये ठीक है सर, जब एंगल फिक्स रहेगा ठीक है, जब एंगल फिक्स रहेगा, सूरज बुरा नहीं लगा रहा है, बुरा नहीं लगा हाँ, हम भी ऐसा थे क्या 90 ये 45 और ये 45 ठीक है, छोड़ देखिएगा हैं 90 45 45 ठीक है, आप समझिएगा जब भी एंगल 90 45 45 हो, क्या हो आपका 90 45 45, तो जो 45 वाला होता है उसके सामने का होता है आपका 1 और ये 45 के सामने भी क्या होगा आपका 1
और इसके सामने वाला होता है आपका रूट टू इन द फॉर्म ऑफ रेशियो। आप लोग को ज्योमेट्री में हम ये चीज याद करवा दे और ये याद रखिएगा कि जब भी कोई चीज रेशियो में लिखिएगा तो उसको गोल कर दीजिएगा हमेशा, ताकि वो पहचान में आए कि वो रेशियो में, उसको रियलिटी मत मान लीजिएगा। समझे, क्या कि बहुत सारा बड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा कि एक बगल में ऐसे करके लिखा हुआ रहेगा, बगल में चार लिखा हुआ रहेगा, उसी के बगल में आप लोग आठ लिख दीजिएगा, कंफ्यूज, इसीलिए इसको रेशियो मान लीजिएगा। कभी कभी ये चार रहेगा रेशियो में और दो रहेगा रियलिटी में, तो जो रेशियो रहेगा उसको गोल कर लीजिएगा। ये साइन होता है पहचानने का केवल, ठीक है। तो ये क्या है आपका, रेशियो में, रियल नहीं है, रेशियो में, ठीक है। नहीं आज कॉलेज में क्या क्या जवाब था देखिए यहाँ पर ए बी और सी, ये साइड का रेशियो। सर ये जो वन वन और रूट टू आया वो कैसे आया सो समझिएगा, ठीक है। ये प्रूफ करते हैं कि ये कैसे आया, ये आता है आपका साइन रूल से। अब साइन रूल, एक समय ऐसा आएगा कि साइन ताइन रूल को भूल के, है ना, कि क्या ताइन रूल होता है भूल जाइएगा, खाली कैसे याद रखिएगा कि साइड का जो रेशियो होता है उसके अपोजिट एंगल के साइन के बराबर होता है, ठीक है। समझिए, ये ए बी सी साइड का रेशियो है ना, तो साइड का रेशियो, ये आपका वन माने थे, ये वन था और ये क्या है आपका रूट टू, देखते हैं आता है कि नहीं, ठीक। तो ये आपका बराबर किसका होगा, ये बराबर होगा, नीचे लिख दे रहे हैं, ठीक है, ये बराबर होगा आपका किसका, साइन एंगल ए इज टू, ये होगा साइन एंगल बी। वेरी गुड जेवियर्स, और ये होगा आपका साइन एंगल सी, ये आपका रहेगा, ठीक है। बता दिए कि अभी कैसे हुआ सो, ठीक है। अभी लास्ट में 10 मिनट लेकर के हम इसको प्रूफ करेंगे, है ना, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए फिर उस समय। कोई दिक्कत यहाँ तक ऐसे लिखे है सर, नहीं ना, आधा समय आया, वेरी गुड बाबा सर ये हंसना क्या है यहाँ देखिए साइन ए, साइन ए का मतलब क्या 45, तो यहां पर लिख दिए हम लोग क्या साइन 45 डिग्री, ठीक है। और ये लिख दिए हम लोग साइन 45 और बी, सॉरी मेरे साइन 90 डिग्री, और ये क्या है आपका साइन 45 डिग्री, ठीक है। साइन 45 का मान का क्या होता है, 1/√2, ठीक है, अभी लिखा है ना 1/√2, सर ये लिखे 1/√2, 90 क्या होता है 1 और ये क्या होता है 1/√2, ठीक है। सर ये रूट टू और ये रूट टू, समझिएगा यहां से यहां भाग रहे, ये आपका आया है 1/√2, ये 1 और ये आया है 1/√2, ठीक है यहां तक। सर बताए थे कोई भी रेशियो में, जब भी कोई टूटना जी यार, कोई भी जब रेशियो में होता है तो उसको रेशियो फ्रैक्शन में, ये फ्रैक्शन में है ना, फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न, ठीक है। जैसे ये भिन्न है, कोई बाय में है ना, ये बाय में, बताए थे कोई भी रेशियो अगर फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन मतलब भिन्न में, ठीक है, तो क्या करते हैं उसका एलसीएम लेकर के काट देते हैं, रूट टू, और यहाँ नीचे वन है ना, रूट टू वन, रूट टू का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा रूट टू, ये रूल होता है याद रखिएगा, ये रूल होता है, रट लीजिएगा सब लोग, इसका कोई प्रूफ नहीं है। तो ये रूट टू इसके लिए भी होता है, ये रूट टू इसके लिए भी, ये रूट टू इसके लिए भी, 1/√2 × √2 क्या होगा, 1 × √2 क्या होगा आपका रूट टू, 1/√2 × √2 वन, वाह कैसे आया समझ में आया सबको, यहां से शुरुआत करके यहां तक कैसे समझ में आया सबको। तो सर ये ए क्या आ गया आपका 1, कहां गया है यहां 1, सर बी क्या आ गया आपका रूट टू, सर सी क्या आ गया आपका, तब जा करके ये सारा रेशियो में है ना, तो ये आपका इन द फॉर्म ऑफ रेशियो प्रूफ होता है। सर ये है क्या, ये है आपका साइन रूल का एक शॉर्टकट तरीका है।
साइन रूल का एक शॉर्टकट तरीका है, और वो कैसे है सो समझिए, हम बता देंगे आप लोगों को। ठीक है, खाली ये समझ में आ रहा है कि कैसे लिख रहे हैं सो? ठीक है सर, इसी तरह से अभी हम क्या करेंगे, समझिएगा मेरा बात को। ठीक है, हम मिटाएंगे छोटे छोटे कहला एंगल वो लिख देंगे, तो अब मिटा करके इसको चेंज कर रहे हैं। ये कहाँ उपयोग होता है, साइन रूल का बताया था ना कहाँ उपयोग होता है सो, इसका यूज बता देंगे कहाँ उपयोग। ये सारा का सारा अभी आने वाला 4-5 क्वेश्चन में काम आएगा। ठीक है, तो उसमें बताना नहीं पड़ेगा हमको। देखिए सर, इसको लेते हैं 30 डिग्री, इसको लेते हैं 60 डिग्री, 30 डिग्री इसको लेते हैं 60 डिग्री, बात एक ही है। ठीक है तो राइट एंगल ट्राइंगल, एक फिक्स एंगल है 30, 60, 90। ठीक है, तो इसके सामने वाला 30 का है, 30 के सामने वाला होता है 1, बी के ये 90 के सामने वाला होता है 2, और इसके सामने वाला होता है √3 इन द फॉर्म ऑफ रेशियो, इन द फॉर्म ऑफ रेशियो। ठीक है सर, ये कैसे होता है यही प्रूफ करेंगे अभी। ए कहाँ है, 1√3 और ये 2। ठीक है, केवल समझते जाइएगा कहाँ उपयोग होगा कहाँ नहीं होगा वो हम बताएंगे अभी। ठीक है, समझिए, खाली समझते जाइएगा, जो लिख रहे हैं वो समझ में आ रहा है कि नहीं। केवल सर ये तो रेशियो पता है सबको, और ये बराबर होता है साइन के अपोजिट एंगल के साइन के रेशियो के। ठीक, तो ये साइन एंगल है, साइन एंगल भी, साइन एंगल सी, एंगल ए कहाँ, एक यहाँ ए लिए है तो इसके क्या लेंगे साइन, बी लिए है तो बी का साइन ये 90 डिग्री, सी लिए सी का है, सी के सामने वाला सर। कोई दिक्कत यहां तक सर में आया सबको ये बोला? ठीक है, अच्छा से देख लीजिए पहले इसको, है ना। ठीक, साइन 30, साइन 30 क्या होता है 1/2। आप लोग अभी वैल्यू याद मत कीजिएगा, ठीक है, कि साइन 30 क्या होता है, 60 क्या होता है, मत याद कीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्री याद करना है ना, जब करवाना होगा तो हम करवा देंगे। 1/2 साइन 90 होता है 1, साइन 60 होता है √3/2 होता है। ठीक है, 1/2, 1 √3/2। तो सर यहां पर लिखे, यहां पर क्या 1/2, 1 √3/2, ये सारा का सारा फ्रैक्शन में है, तो एलसीएम लेकर काट देंगे, 2 और 2 का एलसीएम 2, तो 1/2 × 2, 1 × 2, 2, √3/2 × 2, √3। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका, ए क्या आ गया 1 के रेशियो में, अभी किए थे 1 के रेशियो में, बी क्या आ गया आपका 2 के रेशियो में, 3 क्या आ गया आपका, सी क्या आ गया √3 के रेशियो में। समझ में आया ये वाला? ठीक है, तो सर एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन बनाएगा इसके ऊपर, है ना, एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन बनाएगा इसके ऊपर, अब वो समझना है हम लोग। ठीक है, समझिए, ये जो साइन रूल था ये बताया अभी दो ट्राइंगल में, फर्क समझिएगा कि कहाँ कहाँ उपयोग करना है इसको। ठीक है, कहाँ कहाँ उपयोग करना है, जैसे अभी दो ट्राइंगल के बीच बताने है ना, एक ट्राइंगल यहाँ पर कोई भी, अच्छा गाने बजा रहे हैं, पहले के समय में जो ऑटो वाला था, हाँ नहीं ऑटो ऑटो जो टेम्पो टेम्पो, हाँ हाँ,
उसमें जो गाना बजता था ना, जवाब नहीं था, पूरा दर्द भरा गाना बजता था उसमें। ऑटो देखे ना किए है ओ गाना है, कितना बार गाना बजा है। हाँ दर्द सुने ना, माही अभी साथ है ना, दर्द कहाँ है सुनिए, दर्द उसको होता है जब कोई छोड़ करके जाता है ना। अब आपका साथ में माही अभी, तो कहाँ से छोड़ के दर्द होगा। माही कौन है? जनता जानना चाहती है। ओहो ऐसा हो नहीं सकता है। नहीं नहीं, वकील साहब के लिए हम लोग क्यों एक्सप्लेन करें, वही करें। हाँ समझिए, ही इज स्टिल सिंगल। नाम में क्या रखा है? बैर नहीं है। हो गया चलिए याद आ गया। मुक्ति बोले ठीक है, अब हमको यश कल बोला क्या कि सर मेरी को नहीं, हमको बोलता है सुनिए, हमारा बोलता है कि सर मेरे कोई नहीं है, हम बोले हमको विश्वास है तेरे पास होगा भी नहीं। ठीक है, अजीत का अच्छा है नीतीश। एक बार सर अभी 3-4 दिन पहले मिले थे हम अजीत नीतीश और सन्नी, आइसक्रीम खा रहे थे, तो मतलब अजीत 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 का स्टाइल ठीक है, स्टाइल वो देखिए अजीत का ठीक है। नीतीश बेचारा कहा, नीतीश कहा गए मेरे, हाँ नीतीश, ये दोनों बेटा आराम से टहल रहे थे, अजीत का स्वैग मतलब सरिया बोला कि भाई इसका स्टाइल तो देखो ठीक है, ऐसे क्या था ठीक है। देखिए हम लोग हमारे पहले सनी आइसक्रीम खाने थे, नीतीश बेचारा नीतीश को भूल गए पीछे ही, बेचारा पीछे पीछे आ रहे हैं ठीक है, हम लोग उधर साइड है ऐसे एकदम ब्लेजर डाल के ठीक है। हाँ अजीत आप फोन भी था ठीक है। हाँ नीतीश तो बेचारा पीछे से आराम से आ रहे हैं, जैसे हमको देखे बोले गुड इवनिंग सर है ना, हम बोले वो महारथी और ये सीधे जाकर के रुके गुमटी में। ठीक है तो हम सन्नी और नीतीश इंतजार कर रहे हैं ठीक है, कि बस देखे जरा क्या ले रहे हैं ठीक है। तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं ठीक है, लेकिन कुछ नहीं लिए थे, है ना, हमारा नॉर्मल। ना ना कुछ नहीं लिए थे, चलिए यहाँ देखिए। हाँ चलिए यहाँ देखिए, सुनिए अब कोई बात नहीं जी, क्या दिक्कत, चिरोटिया चिरोटिया एक बार हंसी लगेगा चिरोटिया से ऐसे करके ठीक है, एक बार हंसी लगेगा हंसे। अब ऊपर से देख रहे थे नीचे ठीक है, एक शख्स था कोचिंग में ठीक है, यहीं पर मौजूद है, नाम नहीं लेंगे ठीक है। अब ऊपर से देखे अचानक देखते हैं नीचे इरंग कर रहे ठीक है। हम सोचे पहले देख लेते हैं कि कहाँ देते हैं, है ना, इसे करके जब तक किए ना तब तक निकले ना, बोले वाह ठीक है। ना नाम नहीं लेंगे, अरे तो है ही रे।
चौरे तक ले रही कैसा उसे नहीं बोलना चाहते थे बोलते थे आप पूरा 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 हाँ पूरा बोल अरे कहा दिक्कत है अपना अपना है तो खाता है उसमें क्या है सब लेकिन एक से एक है पता है आपको बाहर खाली ट्यूशन के बाहर खाली आपको लोग दिख जाए ठीक है परसों एक से एक अभी राहुल एक मिनट आज छोड़ना नॉर्मल चीज है यार अबे राहुल भेजे थे एगो फोटो ठीक है प्रिंस और आदित्य मस्त बैठल है जायका में हाँ अरे ठीक है देखो दुनिया में हम इतना बताते हैं ठीक है खाली हम इतना ही बोलते हैं ना कि एक मिनट यहाँ पर सहाली बस है ना खाली इतना ही बोलते हैं कि ये सब हमनियों करके बैठे लिए ठीक है हाँ ठीक है लेकिन ना ना सब किए हैं एक बार खाए थे वोमिटिंग कर दिए थे किलकिला के नहीं बोले थे अरे नहीं बनेगा रे हाथा में पसीना पड़ी आता चले चले यहाँ देखिए खत्म की जाती यहाँ देखिए सब शांत हो जाइए कोई बात नहीं अंत में सक्सेस सब ढक देगा अंत में सक्सेस सब ढक देगा समझे कि आदमी जब वो ऐसे करता था ना तो वो बुद्धिवर्धक चूर्ण था समझे समझे तो वो सब ढका जाएगा जब सक्सेस मिल जाएगा तो सही है ना अरे मेरा जो कारनामा था मोहल्ला में सब ढका गया समझे मेरा एक से एक कारनामा था है ना अभी भी कम नहीं है तो सब ढका गया पहले एक एक स्थाई हो जाइए बस नॉलेज लेते रही तो आदमी लोग समझे कि नहीं नहीं विचार दो लोग है दो लोग का विचार तुरंत तुरंत बदलता है समझे एक रोड पर एक कोई आदमी लड़की से बात कर रहा है ना और आगे चल करके सक्सेस नहीं करेगा तो बोलेगा इस साला फकीर आदमी था ठीक है और आगे चल करके इस नौकरी हो जाएगा लड़की बोलेगा ना कि नहीं साला वो लोग जरूर फॉर्मूला डिस्कस कर रहा होगा समझे तो ये सब होता है समझे है ना अगर बैग लेकर के जाइएगा और सक्सेस ये सच सच्चाई है समझिए एक बैग लेकर के जाइएगा और रोड पर ऐसे ही आगे चल के कुछ नहीं कीजिएगा ना और आगे चल के कुछ नहीं कीजिएगा तो आदमी बोलेगा साला बैग में बोतला रखता हो समझे और कुछ कर लीजिएगा ना आगे चल कर तो बैग में बोतलों का तो बोलेगा साला आर्य सरवाल किताब लेके घूरता था पक्का और देखे थे आप लोग अरे हम देखे थे खोले थे एक बार समझे तो ये सब लोग है एक झटके में इसीलिए सक्सेस कीजिए ना बाकी सब खत्म देखिए यहाँ पर अब तो सर ये लाभ फॉर्मूला कहाँ पर उपयोग होगा सर साइन रूल पर ही आज कंसंट्रेट कीजिएगा बता देते हैं आदमी लोग को बहुत चीज ये याद ही नहीं रहता है कि साला साइन रूल है क्या कैसे आता है कहाँ उपयोग होता है समझे इसीलिए हंसी मजाक करके साइन रूल पर फोकस कीजिए कल कोसाइन रूल आएगा हाँ फिर आगे चल के और रूल आएगा इसलिए समझते समझते चलिए सर अभी जब ये बताए थे कि ये 60 डिग्री था और ये क्या था आपका 75 ये था आपका 45 ये बताए थे 12 और ये आप लोग को निकालना था ये था ना ये वाला ठीक है सर यहां पर लेते हैं 90 डिग्री और ये लेते हैं आपका 30 डिग्री और ये लेते हैं आपका 60 डिग्री ठीक सर हम इसका एक फिक्स मान बताए हैं ना इन द फॉर्म ऑफ रेशियो फिक्स बताए हैं इसका नहीं हो सकता क्योंकि ये पाइथागोरस है क्या नहीं पाइथागोरस पर ही लगेगा कैसे लगेगा क्यों लगेगा समझिए ये फिक्स रेशियो हम क्यों बताएं है तो साइन रूल फिक्स रेशियो क्यों बताएं वो समझिए सर यहां पर जो लगा दिए ना यहां पर एग्जामिनर क्या कर रहा है कि एंगल कुर्सी बैठा कर दे रहा है यहां पर एक फिक्स है स्पेस यहां कुर्सी बैठा सकता है पर उपयोग किसका कर रहा है फिक्स वैल्यू का
क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन 30-90-60 बनाया, बहुत सारा क्वेश्चन 45-45-90 बनाया, बहुत सारा क्वेश्चन 15-75-90 बनाया, बहुत सारा क्वेश्चन 30-30-120 पर बनाया। ठीक है, 30-30 यहां से होता है ना, 30-30-120 एक अलग मान आ गया, वो 90 डिग्री है क्या? नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। समझिए अभी कैसे उपयोग होगा, लग रहा है सब में। अब यहां पर इसका मान रखते हैं हम लोग, इसको रखते हैं 12 और ये x। कोसाइन सारा का साइन रूल लगे है कि नहीं? पहले क्या बोले थे, किसी भी ट्रायंगल का, सर किसी भी ट्रायंगल मतलब ये भी और ये भी है ना, किसी भी ट्रायंगल में जब दो एंगल दिया हुआ है, दो एंगल दिया हुआ है तीसरा अपने आप निकाल लेंगे। किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल दिया हुआ है और एक साइड दिया हुआ है और दूसरा साइड पूछ ले, क्या लगेगा उसमें साइन रूल, है ना? बता चुके हैं, आप समझिए क्या लिखे हैं। तो a बाय बी मतलब ये 12 बाय x करेंगे ना, ठीक है यहां तक। सर ये 12 के सामने साइन 75 डिग्री, सर किसके सामने, ये b के सामने साइन 60 डिग्री, ठीक है समझिए। सर ये लेंगे आप लोग क्या, आप लोग लिखे 12 बाय x, 12 के सामने साइन 30, साइन 30, एक्स के सामने साइन 60 डिग्री, ठीक है। कोई वैल्यू इसका होगा, कुछ वैल्यू इसका होगा, है ना, और फिर एक्स निकल जाएगा, इसका वैल्यू इसका वैल्यू, फिर एक्स निकल जाएगा। इसको इसको सॉल्व करते हैं, 12 बाय एक्स साइन 31 बाय 2 साइन 60 रूट 3 बाय 2, है ना, ये रूट 2 से ये रूट 2 गया, ठीक है। फाइनली यहां आया 1/3, 1/√3, सबको दिमाग में आया कि वहां 1/√3 आया सो, ठीक है। सर ये रूट थ्री इधर जाएगा, है ना, और x इधर जाएगा, तो फाइनली x बराबर क्या हो जाएगा आपका, 12√3 होगा, होगा ना, ये रूट थ्री इधर, ये x इधर, तो x इज इक्वल टू 12√3, सही है यहां तक। तो सर सर अगर ये फिक्स वैल्यू बता रहे हैं कि सर इतना अच्छा कि 1:√3:2 फिक्स बता रहे हैं, तो फिक्स का मतलब क्या होता है पता है, फिक्स का मतलब होता है कि ये सब स्टेप को काटना, फिक्स का मतलब होता है कि ये सब स्टेप को काटना, कि ये सब स्टेप लिखना ना पड़े हम लोग को, समझे कैसे कैसे लिखना पड़े, समझिए। आप लोग को बताएं कि जब 30-60 होता है तब उसका रेशियो क्या होता है, उसका रेशियो जिसके जहां 30 हो उसके सामने 1 का रेशियो, जहां 60 हो उसके सामने √3 का रेशियो, जहां 90 हो उसके सामने 2 का रेशियो, ठीक है। अभी बताएं अभी कि सर 30 के सामने वाला आ रहा था 1, 60 के सामने आ रहा था √3 और 90 के सामने आ रहा था रूट इस सामने 2। अभी प्रूफ दिखाए ना अभी तुरंत, अजीत सना रहा है। तो सर अगर ये 1:1 रेशियो को क्या करते हैं, रेशियो में है तो 1x 1 यूनिट, ठीक है। एक आदमी 1:2 के रेशियो, मेरा पैसा और ये सनी का पैसा, मेरे पास 1:2 के रेशियो में, मतलब अगर मेरे पास 50 है तो इसके पास क्या हो, 100, मतलब 1x = 50, 2x = 100 करेंगे ना, रेशियो में है, रेशियो हमेशा एक्स में लेते हैं या फिर यूनिट में लेते हैं कुछ भी। सर अगर इसके पास 500 है, मतलब 2x = 500, x = 250, मेरे पास कितना होगा, 250, है ना। सर अगर हम लोग दोनों के बीच 1:√3 के अनुपात में पैसा है, इसके मेरे पास 12 रुपया है तो इसके पास 12√3 होगा, होगा। अगर मेरे पास 12 रुपया है तो 1x = 12, √3x = 12√3, ये समझ में आया ये वाला। तो सर उसी तरह है, 1:1 में है, मतलब 1x = 12, तो √3x = 12√3, तो इसका 12√3। सर 1x = 12, तो ये 2x है ना, मतलब कितना, 24, इसका मान 24। तो सर पाइथागोरस थ्योरम में या फिर कोई ऐसा मान जो फिक्स होता है, फिक्स वैल्यू के लिए हम लोग
क्यों उपयोग करते हैं? ताकि ये सब को काटना पड़ जाए, ये सब काटना पड़ जाए। इसका फिक्स नहीं होता है, इसलिए काट नहीं सकते आप लोग। ठीक है, एग्जामिनर ये मुश्किल से देगा, ये हमेशा देगा, प्री में हमेशा ये देगा, प्री में हमेशा यही देगा। 30-60, 45-45, ठीक है, 30-30, 120, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है लेकिन फिर भी वो देगा, हम बताएंगे। फिर 15-75, 90, वो वाला, ये सारा का सारा आपको फिक्स में देगा। समझ में आ रहा है ये वाला? ठीक है, समझिएगा। टाइम हो गया, कितना हो गया? हाँ तो छोड़ देते हैं। करने देते हैं, पहले खाली एक उपयोग देख लेते हैं। ठीक है, आप लोग का 8:15 से 8:30, 8:30, वही 10 बजे के लगभग में क्लास चलेगा। ठीक है, ठीक, हाँ क्लास है। ठीक है, 10 बजे के लगभग में क्लास चलेगा, लेकिन हाँ सभी लोग 8:05 तक पहुंच जाइएगा। सभी लोग 8:05 तक, 8:15 में क्लास हम चालू कर देंगे। ठीक है, क्यों है ना, 8:15 में क्लास चालू कर देंगे हम, क्योंकि 8:15 ठंडा के लिए भी सही है और आप लोग का शरीर के लिए भी सही है। ये डील होगा? नहीं, थोड़ा आज भर करते हैं 1:30 बजे, फिर क्लास टाइमिंग चेंज करेंगे। ठीक है, ओला बैच का भी टाइमिंग चेंज करेंगे। हाँ, ई बैच का टाइमिंग चेंज करेंगे आपका। फिर ये इसीलिए हम यहाँ का ना बताते हैं। ठीक है, आप लोग जो भी आइए 8:05 तक आ जाइएगा, हम पहले घुस जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, अब खाली छोटा सा, खाली उसी को प्रूफ कर दे रहे हैं। ठीक है, जैसे कि ये आपका 60 डिग्री है, ये लिखते हैं 30 डिग्री और ये लिखते हैं 60 डिग्री। ठीक है, और ये लिखते हैं आपका 30 मान दिया हुआ है। फाइंड ये वाला और ये वाला। आपको बताया अभी तुरंत कि 30 के सामने 1 के रेशियो में, 60 के सामने, इसके सामने 2। अगर 2x बराबर 30 है तो x बराबर 15, ये 1x है ना, 15। अगर 1x बराबर 15 तो √3x बराबर 15√3, बस डायरेक्ट। तब साइन रूल को कट करने के लिए ये उपयोग होता है। आधा समझ में आया बच्चे? सब लोग अच्छा से नोट सब लोग बना लीजिएगा। ठीक है, और कुछ समय के लिए आप लोगों को हम रियली रिक्वेस्ट करते हैं, है ना, कि अभी हम कुछ समय के लिए अकेले रहेंगे, चाहे कुछ भी हो, कुछ समय के लिए अभी तुरंत धोखा मिला है, तुरंत हम उठ के नहीं आ सकते तुरंत।